आपने मंदिर के बाहर सरेआम मर्डर की वारदात देखी, अब आपको शादी समारोह में फायरिंग की तस्वीरें दिखाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल के साथ गुजरात में चुनाव की तैयारियों में लगे हैं और उनके सूबे के एक शहर में 24 घंटे के अंदर फायरिंग की दो घटनाएं हुई। अमृतसर में एक हाई प्रोफाइल शादी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मैरिज हॉल में पिस्टल और धारदार हथियारों के साथ कई लोग घुस आए। हॉल में मौजूद लोग सहम गए, डर गए। शादी समारोह के बीच फायरिंग हुई जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। ये मैरिज हॉल की तस्वीरें आप देखिए, जब यहां पर कुछ लोग घुस आए हथियारों के साथ, बंदूकों के साथ, आप देखिए ये, और ये सारी चीजें कैमरे में कैद हुई हैं, ये पूरी घटना। और हथियारों के साथ घुसे बदमाशों ने अंदर फायरिंग की जिससे हड़कंप मच गया। वहां जो लोग थे वो डर गए, सहम गए। ये अमृतसर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हाई प्रोफाइल घराने की शादी चल रही थी और मैरिज हॉल में कुछ बदमाश हथियारों के साथ घुस आए और अंदर आकर उन्होंने फायरिंग की। शादी समारोह में जैसे ही फायरिंग की खबर पुलिस को मिली, जांच के लिए टीम फौरन पुलिस की मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की तलाश की जा रही है। पता चला कि एक फंक्शन चल रहा था जिसमें एनआरआईज भी इन्वॉल्व हैं, बाकी भी शहर के लोग काफ़ी अच्छे इन्वॉल्व हैं। तो उनका फंक्शन में ही हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर कोई फायरिंग इंसिडेंट हुआ, उसके रिलेटेड ही हम यहाँ पर आए हैं। अभी सीसीटीवी फुटेज और जो लोग हैं यहाँ पर प्रेजिडेंट के बयान वगैरह लेंगे, उनसे जानेंगे क्या बात हुई है, तो उसे अकॉर्डिंग अगली कार्रवाई करेंगे। तो मैरिज हॉल के अंदर ये फायरिंग हुई, आपने सुना कि जांच की जा रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, लेकिन इन लोगों का मकसद क्या था ये अभी साफ नहीं है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो तमाम लोग कैद हुए हैं जो हथियारों के साथ मैरिज हॉल में दाखिल हुए और वहां पहुंचकर फायरिंग की। शादी में शामिल लोगों का कहना है कि परिवार शादी के लिए अमेरिका से आया था, अगर पंजाब में ऐसा चलता रहा तो कोई भी एनआरआई पंजाब में आना पसंद नहीं करेगा। इतने एक फंक्शन साडे फ्रेंड्स का, अं इनवाइटेड सी इतने, बट 9:30 के करीब इतने 70-80 जने कृपाना डंडे वैपनस लैके इदा एंटर किए हॉल के अंदर, भी लेडीज़ बच्चों के बहुत डर माहौल से। आदि ही उन्होंने सारे के उत्ते झड़प दिता, गाला क्ढन डह पे, वो फायरिंग की अंदर आ गए, भी सारे का सारी पार्टी खराब हो गई। जे यो हालात रहनगे तो ये सारा परिवार ही USA तो आया, आज तो बाद कौन NRI आके इतने फंक्शन करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।